हाँ जी बच्चे, कोड है जी C2, यूनिट 2 है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज मैं इसकी डिस्कशन करने लगा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, द प्रेशर ऑफ 10 dm³ गैस इंक्रीज फ्रॉम 1.5 atm टू 3 atm कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। जो न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो क्या होगा बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, रिलेट कर रहा है किससे जी? बॉयज लॉ से। ठीक है, तो बॉयज लॉ के मुताबिक क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन, क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। आपने पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि P1V1 इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, P2V2 इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम ये कहें कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो हमने V2 निकालना है बच्चों, तो P1V1 की वैल्यू लगाते जाएंगे तो ये V2 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 5 dm³ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद है, अ रियल गैस विल डेविएट मैक्सिमम फ्रॉम, क्या है जी? बॉयज लॉ। एट जो रियल गैस है कब करती है डेविएट? जब वो बच्चे दो पास्टुलेट्स ऑफ कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे नहीं करते। और वो कौन से हैं जी पास्टुलेट्स? देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और दूसरा था जी, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो वो कब करेगी, कब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होंगी? जब प्रेशर क्या होगा बच्चे? हाई होगा। ठीक है, जब प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। पहले प्रेशर अगर बच्चे कम है तो गैस के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ज्यादा है, सो देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब बच्चे हम प्रेशर को क्या करेंगे बच्चों? इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी कम क्या हो जाएंगे? क्लोज टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो देर आर चांसेस टू डिवेलप फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। सो व्हेन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर क्रिएटेड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, वी कैन से दैट दिस गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी, और पहले जो है वॉल्यूम निग्लिजिबल था क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत कम था, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। लेकिन जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ जी? वॉल्यूम जो है प्रेशर के इंक्रीज करने से कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया, और अब हम इस वॉल्यूम को निग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर, जब टेम्परेचर को लो करते हैं कनेटिक एनर्जी लो होती है, तो देयर आर चांसेस टू डिवेलप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों? करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद एट STP वॉल्यूम ऑफ द वन आइडियल गैस 22 है जी बच्चे। तो STP पे 1 मोल ऑफ इतना है, अगर हम क्या करेंगे टेम्परेचर को 270 तो ये डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48.4818 dm³। तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज 4 टाइम ट्वाइस देन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। ये जो मैंने आपको बताई हुई है इस तरह की क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या करना है बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन ले लेनी है। इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? NRT के इक्वल होता है। तो आपको चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? NRT डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ये सारे दोनों कांस्टेंट है बच्चे। हमने टेम्परेचर आपको देखते हैं क्या कहता है, इसका प्रेशर ऑफ द इंक्रीज 4 टाइम, तो प्रेशर है बच्चे 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज ट्वाइस, टेम्परेचर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब क्या हो जाएगा? 1/2 से हम आपको काट के कहते हैं हाफ। इस गैस डेविएट द मोस्ट आपकी आवाज नहीं सही आ रही। यार एट STP इसे कौन सी जो है मोस्ट क्या हो जाएगी? डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये ट्रिक का आपको मैंने बताया हुआ है, जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी फोर्सेस ग्रेटर सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, जितनी ज्यादा होंगी गैसेस भाई सेंड करें ना, मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना ही आवाज सर तक नहीं पहुंच रही। वहां से जी आइडियल बिहेवियर जी बच्चे वो जी। आप पूछें जरा क्या कहना चाहती हैं।
वो जी हाँ, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। नो नहीं आ रही आवाज सही, सर, अभी भी सही नहीं आ रही। अभी सही आ रही है। अच्छा चलें ठीक है जी, ओके जी। तो क्या है जी, रिमेन्स क्या हो जाएगी बच्चे, हाफ हो जाएगी। वो जी या, आपके बच्चे कितने नंबर आए हैं वो जी हा, आपके बच्चे कितने नंबर आए हैं टेस्ट में जो पहले हुआ है। हेलो 160 116, तो नंबर तो बच्चे कम आए हैं, किस किस में कम। 160 160। अच्छा 160 आए हैं, चलें गुड हो गया फिर तो ठीक है। अच्छा जी, और शीजा के कितने आए हैं, शीजा शीजा बोले कितने हैं नंबर आपके। शीजा कितने नंबर आए हैं आपके, चलें ठीक है मेरे ख्याल है ही नहीं क्लास में। अच्छा ओके जी, उसके बाद है जी हम आगे चलते हैं जी। व्हेन गैस डेविएट द मोस्ट फ्रॉम आइडियल, इसकी समझ आ गई बच्चे, जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना ही क्या होगा बच्चे, गैस जो है वो डेविएट करेगी कहाँ से, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से। अच्छा आप इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई हुई है बच्चे, जरा बोले याद है। अगर हमारे पास सेम तरह की गैसेज आ जाती है ना, यानी सेम टाइप ऑफ गैसेज आ जाती हैं, यानी कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, अगर सेम टाइप की आ जाती हैं तो फिर हम क्या देखते हैं बच्चे, साइज देखते हैं। क्या देखते हैं जी, साइज। जितना साइज ग्रेटर होगा उतनी क्या होगी, गैस डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर बच्चे ऐसा नहीं होता तो फिर अगर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स वाली गैसेज आती हैं तो उसमें क्या होती हैं बच्चे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं बच्चे। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं बच्चे, ज्यादा होती हैं जी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आ रही है सर, बहुत लाइट आ रही है सर। आप अपने सर हमें सही आ रही है, माइक ऑन करें, एकदम से तो सही आवाज जा रही है बच्चे, ठीक है। अच्छा जी बहरहाल जी, तो मैंने आपको बता दिया विच गैस जो होता है डेविएट द मोस्ट आइडियल बिहेवियर, तो कौन सी होगी बच्चे, CO2। इसमें से बताएं इन तीनों में से ज्यादा डेविएट कौन सी करेगी बच्चे, बोले चार्ली। कौन सी, चार्ली, वेरी गुड। हीलियम, हीलियम जो है वो क्या करेगी, डेविएट करेगी, क्यों सर, इसका साइज छोटा है, सबसे छोटा साइज होने की वजह से जी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होती है बच्चे, जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो दिस गैस मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम कहां से बच्चों, आइडियल बिहेवियर, ये याद रखना है। उसके बाद है व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ आर सेम, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल द सेम फॉर बोथ जी बच्चे, कौन सी होगी जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। एट 0 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हमेशा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होती है उसकी वैल्यू क्या रहती है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। इस वजह से क्या रहेगी बच्चे, शुड रिमेन क्या रहेगी, सेम। उसके बाद है व्हाट शुड एबनॉर्मेलिटी बिहेवियर व्हेन इट कूल्ड फ्रॉम जी बच्चे, एबनॉर्मल बिहेवियर कब शो करता है बच्चे, वाटर जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है बच्चों, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। Which has maximum density? Water has maximum density at जी बच्चे, water की maximum कौन सी होगी, alpha, ठीक है, 4 degree centigrade पे water की जो density होती है बच्चे वो क्या होती है, maximum होती है, क्या होती है जी, maximum। इस वजह से कौन सा होगा, alpha option जो होगा वो क्या होगा बच्चे, correct one हो जाएगा। उसके बाद which of the following liquid has lowest rate of evaporation at room temperature जी बच्चे, किसका होगा जी, जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उसका क्या होगा बच्चे, एवेपरेशन क्या होगी बच्चे, कम होगी, ठीक है। तो देखें जो ग्लाइसरोल है इसका सबसे ज्यादा इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लाइसरोल,
यहाँ पे क्या होता है सी एच टू सी एच, यहाँ पे क्या होता है बच्चे सी एच टू, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे क्या होता है जी ओ एच। इसका मतलब है इसके अंदर क्या है जी, एक दो और तीन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड पानी हो जाता है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर। तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी उतना ही क्या करेगा जी, गैस जो है वो डेविएट करती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होता है या वेपरेशन क्या होती है। उसने वेपरेशन के मुतालिक पूछा है, हम कह सकते हैं कि उसकी वेपरेशन जो है वो कम है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ क्या है जी, अट्रैक्शन है। उसके बाद है जी हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ विच ऑफ द एट रूम टेम्परेचर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा हाईएस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ज्यादा होती हैं, उतना ही वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चे, कम होता है। ठीक है जी, इसका मतलब है कौन सी होगी बच्चे, लिक्विड अमोनिया होगी इसके अंदर, क्योंकि क्या है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका एसीटोन क्यों नहीं होगा, एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बच्चे, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, अमोनिया के अंदर है ना बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वेपर प्रेशर ऑफ विच ऑफ द हाईएस्ट एट रूम टेम्परेचर, सर वाटर में भी तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया से ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम होगा ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ क्या पूछा क्या, एक मिनट, वाटर वेपर प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हाईएस्ट, वेपर प्रेशर जो हाईएस्ट होगा बच्चे, किसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा, एसीटोन का क्यों नहीं हो सकता सर, एसीटोन का होना चाहिए, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं जो ठीक है सर, वीक होती हैं, बिल्कुल सही, ये एसीटोन ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चे, लिक्विड अमोनिया है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2SO4 के अंदर भी क्या है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखें जी O, यहाँ पे क्या है जी H, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है जी H, इसका मतलब है कौन सा होना चाहिए बच्चे, एसीटोन हैज क्या होता है बच्चे, ग्रेटर ऑप्शन। अच्छा जी उसके बाद है विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जी बच्चे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सर अल्फा नहीं होगा इसका। अच्छा बच्चे आपकी बुक के हिसाब से अगर हम देखें ना, आपका वो जो ग्राफ बना हुआ है ना, ठीक है, वो अगर आप लोग ग्राफ को गौर से करें ना, तो उसमें SbH3 का जो है ना वो ज्यादा लिखा हुआ है ना, यस सर डेल्टा ही है, ठीक है, तो इस वजह से बच्चे हमने बुक के हिसाब से चलना है, तो इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट वन। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास, विच फैक्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द गिवन लिक्विड, जी बच्चे किसका होगा जी, टेम्परेचर, ठीक है, विच टेम्परेचर मोस्ट इंपोर्टेंट, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ फोर्सेस पे भी तो डिपेंड करता है, यस सर नेचर ऑफ फोर्सेस पे तो आ सकता है, सबसे ज्यादा जो है विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोलिंग द वेपर प्रेशर, ठीक है, जो नेचर ऑफ फोर्सेस को हम कंट्रोल लेना कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ जी, तो ये कौन सा होगा बच्चे, बीटा जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इज, जी बच्चे करेक्ट ऑर्डर आपने बताना है जी, सबसे ज्यादा किसका होगा, ACL का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं जो कि वीक फोर्सेस हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की, इसका वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चे, कम होगा, तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज, जी बच्चे आइसोट्रोपिक, और कौन सी होती है, आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपी क्या होती है बच्चे, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या है जी, सब्सटेंस दैट इज चेंज बाय डायरेक्शन टू डायरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, एन आइसोट्रॉपी। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है जब पैरेलल लेयर्स में होता है, और बैड कंडक्टर होता है जब परपेंडिकुलर लेयर में होता है, इस वजह से क्या होता है डायरेक्शन टू डायरेक्शन प्रॉपर्टीज वेरी कर रही होती हैं, इस वजह से दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चे, एन आइसोट्रॉपी। इसका मतलब बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड डीएनए, तो क्या होता है बच्चे, साइटोसिन एंड गायनिन। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, HF के अंदर,
लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? H2O वाटर का। वाटर क्यों ज्यादा होता है? इस वजह से ज्यादा होता है बच्चों कि हमारे पास टू हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन और टू लोन पेयर्स होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आल्सो इंक्रीज हो जाता है बच्चों, ठीक है। जितना साइज इंक्रीज होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, उतना क्या हो जाएगा साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज साइज के इंक्रीज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर, द फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर, जी बच्चे कौन सी फोर्सेस होंगी भाई? डी बाय फोर्सेस, ठीक है बच्चों, क्योंकि डी बाय फोर्सेस किस किस के दरमियान होती हैं बोले? नॉन पोलर और पोलर के दरमियान, और नॉन पोलर के दरमियान, शाबाश। कौन से होते हैं? पोलर एंड क्या जी? नॉन पोलर के दरमियान होती हैं। इस वजह से हमारे पास कौन सा होगा बच्चे? बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एबनॉर्मेलिटी ऑफ द बॉन्ड लेंथ इन द गैशियस एंड सॉलिड स्टेट। एबनॉर्मेलिटी इन द क्या जी? बॉन्ड लेंथ, तो कौन सा होता है बच्चे? आयोडीन। इसकी एक चीज और नोट कर लें बच्चे, ये भी पूछ सकता है आपसे, जो आयोडीन होता है जो गैशियस स्टेट में अगर होगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 266.6 पिकोमीटर होती है, और अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्या होता है जी? 271.5 क्या होती है बच्चे? 5 क्या होती है जी? पिकोमीटर होती है, ठीक है, ये नोट कर लें बच्चे। ये जो होता है आयोडीन जो होता है जो सॉलिड स्टेट में अगर पाया जाए तो इसकी जो शेप होती है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है, ये नोट कर लें बच्चे, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है द क्लोराइड आयन सराउंडेड आयन इन सोडियम क्लोराइड, कौन सा होता है बच्चे? ऑक्टाहीड्रल क्या होता है जी? होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो कौन सा होता है बच्चे? ऑक्टाहीड्रल की शेप होती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी? रिमेन सेम। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड टू अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स क्या रहता है? सेम। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ क्या जी? एनी लिक्विड। बाय फर्दर हीटिंग दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज कंटिन्यू, सही है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ क्या होता है बच्चे? एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो होता है ये क्या होता है बच्चे? मैक्सिमम क्या होता है जी? टेम्परेचर होता है। उसके बाद है पिक द वन दैट इज नॉट लाइक अदर्स, आपने इसमें पिक करनी है जो कि दूसरों की तरह नहीं है जी बच्चे। व्हाई ग्रेफाइट क्यों है? ये लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, बाकी सबका जो होता है जॉइंट स्ट्रक्चर होता है जी, बिल्कुल सही है जी। इट इज प्रेजेंट इन द क्या है जी? इन द फॉर्म ऑफ क्या जी? लेयर्स, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ, जी बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? कैल्शियम क्लोराइड। हाँ जी, सीजियम क्लोराइड, ठीक है जी, सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आइस के अंदर है, एचएफ के अंदर है, ग्लूकोज के अंदर है। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट, इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है जी बच्चों, कौन सा हो सकता है? आइस के अंदर होती है, फोर के अंदर होती है, एचएफ के अंदर भी होती है, लेकिन स्टीम के अंदर नहीं होती। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना है। उसके बाद क्यों नहीं होती स्टीम में बच्चे? सारी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो ब्रेक हो जाती है ना, ठीक है ना, तो जो स्टीम होती है क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें होती कोई नहीं है तो सारे को मॉलिक्यूल इधर उधर बिखर जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो क्या जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द क्या जी स्टीम। उसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ 60 बट स्टीम को हम वाटर कंसीडर तो करते हैं ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते उसमें होगी? यही बता रहा हूँ ना बच्चे कि स्टीम के अंदर क्या होता है, सारी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ब्रेक हो चुकी होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस बढ़ चुका होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी तो फिर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चे। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगी तो इसका मतलब है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द क्या है बच्चे? स्टीम, ठीक है। बेशक हम कह सकते हैं क्योंकि इट आल्सो इट फॉर्म्स ऑफ वाटर,
लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ 16 dm³ ऑफ मीथेन वाज इंक्रीज फ्रॉम 200 K टू 400 K, द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज। जी बच्चे ये कौन से रिलेट कर रहा है जी, क्या फार्मूला लगेगा? V1 = V2 over T2। तो आपने क्या निकाल लेना है बच्चे, V2 निकाल लेना है। तो V2 किसके इक्वल होगा? V1 over T1 multiplied by T2। तो वैल्यू लगा दो तो V2 निकाल लो तो ये कितना आएगा बच्चे, 32 dm³ आ जाएगा। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ V dm³ ऑफ द आइडियल गैस। हमें जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम फाइंड करना ना जी सर, उन्होंने इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाला। हाँ जी, पहले 16, तो ये 16 आएगा ना, तो 16 प्लस 16 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 32। इंक्रीज इन वॉल्यूम ही कहा है ना। इंक्रीज में हम माइनस नहीं करते कि मतलब टोटल जो हमारे पास गिवन है उसमें जो आंसर आता है उसमें माइनस करते हैं। एक मिनट मुझे दोबारा पढ़ने दें। द टेंपरेचर ऑफ 16 dm³ ऑफ मीथेन वाज इंक्रीज फ्रॉम 200 K टू 400 K। चले मैं सारा करके देता हूँ आपको। अच्छा जी, हमने V2 पहले फाइंड करना है जी। बताएं जी V2 किसके इक्वल होगा जी बच्चे, V1 बताएं जी। 16 है, ठीक है, और T1 कितना है बच्चों, 200 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T2 कितना है जी, 400 है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा जी, 200, ये कितना रह जाएगा जी, 200 रह जाएगा, ये रह जाएगा ना 200 सी, कितना रह गया जी, फ्रॉम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज। अच्छा जी, ये कितना हो गया जी, द टेंपरेचर आई गेस 32 से देखिए इंक्रीज फाइंड करना, तो पहले 16 था तो 16 से मैं कितना इंक्रीज हो गया, 32 हो गया तो 16 dm³। यस सर, अल्फा ही बन रहा है। 16 मल्टीप्लाई 2 32 आना, तो 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 आएगा, इंक्रीज हमारे पास 16 होगा। इंक्रीज तो 16 यार, ये पहले भी किया हुआ हमने। The temperature of 16 dm³ of methane was increased from 200 to the increase in volume is. तो पहले 16 था ना, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किया यानी 200 से डबल कर दिया टू 400 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 32 नहीं होगा, अल्फा ही आंसर आएगा सर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। मीथेन वाज इंक्रीज फ्रॉम, इंक्रीज फ्रॉम टू, ठीक है बच्चे अल्फा ही आएगा। अच्छा जी, उसके बाद द टेंपरेचर ऑफ V dm³ ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज 4 times एंड प्रेशर इज क्या जी बच्चे, डबल, द न्यू वॉल्यूम इज। जी बच्चे, पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, एनआरटी के। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी के। तो अब हमने क्या चाहिए, द न्यू वॉल्यूम चाहिए, तो इसी को अरेंज कर लें बच्चे, एन आर टी ओवर क्या हो जाएगा बच्चे, पी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको आप लोग करें बच्चे, तो ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V dm³ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देख भी ले, द इंक्रीज 4 times, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, हाँ जी, द वॉल्यूम जो होता है, द न्यू वॉल्यूम इज, the temperature V dm³ of an ideal gas is increased, ठीक है जी, 4 times, temperature जो है वो 4 times increase हो रहा है, और जो pressure है, and pressure इसके होता है जी double, तो ये देखें जी, ये इसको काटे तो that is equal to किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 2V के equal आ जाएगा। उसके बाद है the graph which is known as isotherm of Boyle's law। जी बच्चे, कौन सा शो करता है जी आइसोथर्म ऑफ बॉयज लॉ? सर ही कर रहे हैं सर। हाँ बोले, ऑल ऑफ दीज, सारे जो हैं ये आइसोथर्म है।
उसके बाद सेम हीट पे हैं। विच वन ऑफ द हाईएस्ट क्या होता है जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो जिसकी कम होती है, साइज कम होता है उसकी क्या होती है बच्चे, हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है जी, हाईएस्ट होती है। तो इस वजह से अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वाला टॉपिक करना है हमने, हाँ इसमें वेलोसिटी ये देख लें बच्चे, इसकी टॉपिक्स में है वेलोसिटी। ओके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शोज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कौन सी गैस शो करेगी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कौन सी होगी बच्चों? NH3 क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं जी, स्ट्रांग हैं, सही है। ओके जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर इज कॉमन इन बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट जी बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF ड्यू टू द टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या जी, वाटर। विच वन इज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, किसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी, डेल्टा की, डेल्टा की। इसके लिए मैंने क्या फार्मूला आपको बताया हुआ है बच्चे, चार्ज ऑफ साइड, सिंगल सिंगल, उसके बाद क्या आता है जी, सिंगल डबल, ठीक है, फिर क्या होता है जी, डबल डबल, सही है। ये जनाब फार्मूला आपको ट्रिक मैंने बताई हुई है। तो देखिए जी पहले में क्या है बच्चे, सिंगल सिंगल है, ठीक है, ये देखिए कैटाइन और एनाइन जो है वो सिंगल सिंगल है। इसमें क्या है बच्चे, सिंगल और डबल है, ठीक है, इसमें भी क्या है जी, सिंगल सिंगल है, जबकि इसमें क्या है जी, सिंगल ट्रिपल है। इसमें जैसे हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। तो ये डेल्टा, हाँ जी डेल्टा ही मैंने कहा है, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन, क्योंकि एल्युमिनियम यानी क्या जी, सिंगल ट्रिपल है बच्चों, तो इसका मतलब है जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतनी लैटिस एनर्जी बढ़ती जाती है। द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर जी बच्चे, कौन सा मैक्सिमम सॉल्युबल होगा वाटर में, CsF, क्यों, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी क्या है जी, कम है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, क्योंकि इसका साइज ग्रेटर होने से लैटिस एनर्जी क्या होती है जी, कम होती है। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ क्या है जी, लिक्विड। आयोडीन इज अ टाइप ऑफ क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। आइडेंटिफाई एन आयनिक सॉलिड फ्रॉम गिवन डाटा जी बच्चे, आयनिक सॉलिड फ्रॉम गिवन डाटा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है जी। विच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्या है जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट। इसको एक्सप्लेन कर दें कांडी सर, ये टी के ऊपर स्क्वायर रूट होना चाहिए था। यस सर, ये टी के ऊपर स्क्वायर रूट आता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं ठीक है। ऐसा कोई बन ही नहीं रहा था सर, ये सारे गलत है। हाफ का क्या मतलब होता है, मतलब के सी के ऊपर 1/2 नहीं आना था, टी के ऊपर 1/2 आना था। हाँ बात ठीक है वैसे आपकी, चलें इसका क्रेडिट, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जी हमारे पास 40 जो है, वेपर प्रेशर ऑफ आइसोपेंटेन इज हायर देन वाटर ड्यू टू, किस वजह से होता है बोलें? वीक लंडन फोर्सेस की वजह से, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। पेंटेन में कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, पेंटेन में? LDH होता है, LDH लंदन आई हुई है बच्चे। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, सब के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या ट्रिक बताई हुई है बच्चे, फोन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो वो क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ठीक है, बाकी सब के अंदर क्या होता है जी, हाइड्रोकार्बन है, और क्या बताया हुआ है, अगर डाई एटॉमिक गैसेस हैं, और क्या है जी, नोबल गैसेस हैं, कौन सी हैं जी, नोबल गैसेस हैं, इनके अंदर क्या होती हैं बच्चे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी सब के साथ कौन सी होती है जी, डाइपोल, डाइपोल क्या होती है जी, फोर्सेज होती है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्या बताई थी, सबसे ज्यादा आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, उसके बाद कौन सी होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है बच्चों, ये आप इसके फिर उससे पहले डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है, हां चलें वो इतनी ज्यादा वैसे ठीक है बात है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है, और सबसे कम कौन सी होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, ठीक है, उसके बाद है जी, द वैल्यू ऑफ पीवी इज प्लॉटेड अगेंस्ट पी फॉर टू गैसेस, एन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल, द प्रेशर इज द प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, व्हिच गैस शोज द ग्रेटर डेविएशन फ्रॉम, कहां से बचो, आइडियलिटी, तो कौन सी होगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा मुझे ये बताएं बच्चे, अगर यही ग्राफ मैं कम टेम्परेचर के ऊपर करूं तो क्या डेविएशन ये ज्यादा शो करेगा या कम शो करेगा, ज्यादा शो करेगा, ज्यादा, अगर ये टेम्परेचर मैं कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेविएशन क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी, डेविएशन क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, तो इस वजह से इट शोज क्या करेगा, मैक्सिमम डेविएशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम्स आर के होती हैं करेक्ट अकॉर्डिंग टू केएमटी, तो कौन सी होगी बच्चे, सारी करेक्ट वन है, 1, 2, and 3 आर, इसका चार्ली क्यों नहीं है, कौन सा चार्ली, हाँ जी 1 and 2 आर करेक्ट, 3 देख लें जी, 3 कौन सी, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, अकॉर्डिंग टू केएमटी, हां जी द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सही कह रहे हैं जी, ये हमारे पास कौन सा होगा जी, 1 पहले देख लें, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल ऑफ क्या होता है, कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जी, ये चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट वन है, डेल्टा नहीं है बच्चे इसका, उसके बाद है विच का, विच क्रिस्टल सिस्टम रिप्रेजेंट्स दिस, प्लीज एक्सप्लेन करें जी, डेल्टा क्यों नहीं आ रहा इसमें, ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द क्या जी, गैस, तो बच्चे असल जो है वो ये कहता है कि द मालिक यानी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, इज क्या जी, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गैस के वॉल्यूम से नहीं, एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी आ गई, ठीक कह रहे हैं, अच्छा द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द क्या जी, गैस, देखिए जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, कंटेनर वॉल्यूम वही क्या कहलाता है जी, गैस का वॉल्यूम, वही सारी गैस का वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यस सर, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे डेल्टा ही, लेकिन ये तो उसका पोस्टुलेट नहीं है ना, यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कंफ्यूज करने के लिए कहा है, क्योंकि ये समझना है आपने, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज द नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड, यानी गैस का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं, एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी जो कंटेनर का वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ द गैस समझ ले कंटेनर का वॉल्यूम ही है, इस वजह से कौन सा होगा बच्चे, 1, 2, and 3 आर क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा, उसके बाद है विच क्रिस्टल सिस्टम रिप्रेजेंट्स द फिगर्स, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कंडक्टर, सर बीटा क्यों नहीं हो सकता, सर ये फेस सेंटर क्यों नहीं है, फेस सेंटर क्यों नहीं है, एनसीएल, यस सर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक,
सर ये NaCl का क्रिस्टल है जी जी सर वो तो फेस सेंटर नहीं होता फेस सेंटर होता है सर ये पिछली बार भी सर ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था तो आपने बॉडी सेंटर ही बताया था ये बॉडी सेंटर ही है बिल्कुल यहाँ से सीधा जा यहाँ से सारे जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये बॉडी सेंटर ही कलर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ठीक है बुक पे इसी डायग्राम के नीचे ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिखा हुआ है तो ये कैसे बॉडी सेंटर है बच्चे दरमियान देखे ना यहाँ से ये है ना ये जो एक लगा हुआ है ये बॉडी सेंटर सेंटर में एक जो एटम लगा होता है तो इसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं ना ठीक है तो ये कुत्ता कौन सा कहाँ से भौंक रहा है अच्छा तो ये जनाब क्या होता है यहाँ से ये सारे जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस वजह से इस बुनियाद पे हम इसको कहते हैं कि इट इज कार्ड क्या कहलाता है बच्चे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है ठीक है अगर हमारे पास क्या होता है जी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है यानी ये अगर फॉर एग्जांपल एटम शो ना करता बच्चों तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ठीक है तो ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है अगर ये एटम ना देता तो फिर हम कह सकते थे कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है लेकिन यहाँ पे जब दे दिया तो हमारे पास क्या कहलाता है इट इज कॉल्ड इस एटम्स की बुनियाद पे हम इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहेंगे बाकी आपकी बात ठीक है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो NaCl का फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही होता है ठीक है अगर हम ओवरऑल देखें तो इस एटम की बुनियाद पे जो है ना वो क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है जो बेस्ट ऑप्शन है वही हमने लगाना होता है ना इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन है बच्चे वो कौन सा होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा अगर ओवरऑल हम देखें तो वो क्या होता है बच्चे फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही होता है ठीक है तो इस एटम की बुनियाद पे हम इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कह रहे हैं ठीक है वैसे फेस सेंटर्ड ठीक है सही है बच्चे बॉडी सेंटर्ड ही होगा क्योंकि ये एटम उसने शो किया है अच्छा जी उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट जी बच्चे कौन सा होगा जी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट कौन सा होगा मेटालिक सॉलिड्स उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट NaCl इज करेक्ट जी बच्चे कौन सी करेक्ट होगी अल्फा जी उसके बाद द बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट ए आयंस ऑक्युपाई द सेंटर व्हाइल बी आयंस सर अल्फा में सोडियम आयंस फेस सेंटर्ड पे तो नहीं होते जी बच्चे बॉडी सेंटर की एग्जांपल CSF है ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे सारे जो है ना जिस तरीके से भी है हमने इस जो ये एटम है उसको भी कंसीडर किया था जब हमने क्या किए थे सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाए थे मैंने ठीक है ना उसको जरा चेक कर लीजिएगा बच्चे तो वो आपको समझ आ जाएगी उसको मैंने कैलकुलेशन जरा चेक करें ना जिस तरह से की थी उसको जरा देखें अच्छा जी इफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ए आयन ऑक्युपाई द सेंटर व्हाइल बी आयंस ऑक्युपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूब द फार्मूला ऑफ द सॉलिड क्या होगा बच्चे ए बी ही होगा ये भी मैं करवा चुका हूँ Amorphous substances shows क्या करते हैं बच्चों क्या होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये भी हो चुका है शॉर्ट रेंज ऑर्डर कौन सा होता है पता है आपको ठीक है कि यानी अरेंजमेंट एक कोई आ रही है तो उसके बाद फौरन वो चेंज हो जाए तो उसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं उसके बाद रियल गैसेज ओबे गैस लॉज ओनली एट क्या होता है बच्चे कब करती हैं लो प्रेशर और किसके ऊपर जी हाई प्रेशर के ऊपर उसके बाद है जी हमारे पास द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PVRT इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड Z इज लेस देन 1 देन क्या होगा जी कौन करेगा बच्चे क्या शो करेगा 1 पे क्या करता है जी यानी जब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है तो हमारे पास कोई डेविएशन नहीं होती लेस देन 1 होगी तो नेगेटिव डेविएशन होगी और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो कौन सी होगी बच्चे पॉजिटिव डेविएशन हां जी उसके बाद 7 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP द गैस इज जी बच्चे 7 ग्राम ऑफ गैस है ऑक्युपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP द गैस इज जी बच्चों कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चे मोलर मास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोलर वॉल्यूम जी बच्चे जो मास है वो आपका कितना है जी 7 है और हमने मोलर मास फाइंड करना है
वॉल्यूम कितना है बच्चों? वॉल्यूम है जी 5 पॉइंट क्या है जी 6 है, और यहाँ पे हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 22 पॉइंट के हो जाएगा, 414 हो जाएगा। तो अब आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है जो कि हमारे पास तकरीबन 28 के करीब आएगा, 28 आएगा। 28 किसका होता है बच्चे? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, 49 दोबारा समझा दे। अच्छा दोबारा समझाता हूँ। देखिये बच्चे, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पीवी एज आर टी, ये हम करते हैं ना, यहाँ पे हम लेते हैं जी पीवी ओवर क्या है जी आर टी, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये लेस देन वन होता है तो ये जनाब ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। इस डेविएशन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, ग्रेटर देन जेड हो जाएगा। तो जो ऊपर अगर ग्राफ चला जाता है तो इस डेविएशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे पास उसने कहा है कि जेड इज लेस देन वन, देन क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन इज क्या हो जाएगा बच्चे? सीन। ठीक है, इसको समझ लो, ये हमारे पास जेड है, इससे जहरी सी बात है क्या आ जाएगा जी? कम हो जाएगा जेड, तो वो नेगेटिव डेविएशन होगी। इससे ऊपर चला जाएगा तो ये क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन कहलाती है। ये चीज आपने राउट्स लॉ में भी पढ़ी हुई है बच्चे। ठीक है, तो ये जो अगर ग्राफ नीचे आता है तो नेगेटिव डेविएशन, अगर ऊपर चला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। जेड जो है उसको समझ लो कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? वन के। तो जहरी बात है, वन से कम आएगा तो ग्राफ नीचे आएगा, और वन से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब जब नीचे आता है तो उसे नेगेटिव डेविएशन, और अगर ऊपर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अच्छा, तो बच्चे इसमें जो है जो 50 वाला है इसको हम क्या कहते हैं जी? 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, तो कौन सा आएगा बच्चे? चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद है इफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस हैज क्या होता है 1092 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट क्या हो जाएगा बच्चे? 546। 546 पे वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? डबल होता है। 546 का डबल कितना होता है? 1092 होता है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे? 546। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर जी बच्चे? दो तरह की फोर्सेस होती हैं जी, टाइप ऑफ फोर्सेस इन द जी। नंबर 51 पे जो होता है ना, टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चे? डबल। ये मैंने आपको बताया भी था कि टेम्परेचर जीरो है, फिर 273 करें वॉल्यूम उससे डबल हो जाएगा, फिर 546 हो जाएगा तो वॉल्यूम उससे क्या हो जाएगा बच्चे? डबल हो जाएगा। तो 546 का डबल करें कितना होता है वॉल्यूम? कितना होगा? 1092 हो जाएगा। ठीक है जी, सर टेम्परेचर डबल होगा, टेम्परेचर जितना गिवन होगा उसके डबल हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। बिल्कुल, उसके डबल जो है क्या होता जाएगा? वॉल्यूम होता जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था, जीरो से 273 जाएं, 273 546 जाएं, तो वॉल्यूम उसी हिसाब से क्या होता जाता है बच्चे? डबल होता जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है विच वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन इट्स स्ट्रक्चर जी बच्चे? कौन से, कितनी टाइप्स की फोर्सेज होंगी? विच वन हैज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन इट्स स्ट्रक्चर? डायमंड में कौन सी फोर्सेज होती हैं? कॉपर में, SiO2 में, ग्रेफाइट में जी बच्चे? ग्रेफाइट होगा। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन इट्स स्ट्रक्चर, कैसे कैसे? ग्रेफाइट में टू फोर्सेस कैसे हैं? हाँ देखिए बच्चे, हमारे पास जो डायमंड होता है, ये हमारे पास क्या जी? डायमंड है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या जी? लेयर्स। ये देखें, इन द फॉर्म ऑफ क्या जी? लेयर्स, सही है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है जी, जब इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होता है बच्चों, ये जो लेयर्स होती हैं बच्चे, ये कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, किस वजह से जी? ये जनाब इनके दरमियान यूं जो है हम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बच्चे, जो ग्रेफाइट होती हैं
इसमें ये जो है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाली जो है, एक ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरी जो है यानी इनके दरमियान क्या है बच्चे, यानी ये जो फोर्सेज हैं इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे बच्चे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ बिटवीन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो दूसरी होंगी बच्चे, जो एक लेयर्स की दूसरी लेयर्स के साथ जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इनको हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चे, इंटर मॉलिक्यूलर क्या है जी, फोर्सेज ऑफ क्या जी, अट्रैक्शन, ठीक है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं और एटम्स के दरमियान भी क्या है जी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। इनको क्या कहेंगे बच्चे, इंट्रा मॉलिक्यूलर, और इनको क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके दरमियान क्या होती है जी, टू टाइप्स ऑफ क्या है जी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन द क्या होती है बच्चे, स्ट्रक्चर्स में टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास जो ये है पूरा का पूरा, एक समझ लो कि ये मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है जी, दूसरा टाइप्स का क्या है जी, मॉलिक्यूल्स है, यानी ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। हर लेयर के दरमियान जो दूसरी लेयर्स होगी उनके दरमियान क्या होंगी बच्चे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इनको हम क्या कंसिडर करेंगे, दीज आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। और जो अपनी लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या है जी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से कहा कि ग्रेफाइट में क्या होती है बच्चे, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस जी, बच्चे करेक्टली कौन सा बिहेवियर करता है जी आइडियल गैस का। हाँ जी बोले, हाँ जी बीटा जी, ये तो आसान था जी। उसके बाद गिवन ग्राफ कंटेन फोर कर्व्स रिप्रेजेंटेड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एथेनॉल वाटर ग्लाइकोल और ग्लाइसरोल जी, बच्चों कौन सा करेगा जी, डेल्टा, क्यों क्यों करेगा भाई सर, तो उसमें ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चे, कम होगा। गिवन ग्राफ कंटेन फोर कर्व्स रिप्रेजेंटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी, एथेनॉल वाटर ग्लाइकोल ग्लाइसरॉल, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर होगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है जी, फोर्सेज ऑफ क्या है जी, अट्रैक्शन है। अभी ग्लाइसरॉल का मैंने बताया भी सही, तो इस वजह से कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच लेयर इज डिफरेंट इन हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जी, बच्चे कौन सी लेयर डिफरेंट होती है, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर जी बच्चे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या रेपिटेशन होती है बच्चे, लेयर्स की या एटम्स की, ए बी ए बी ए बी ए बी, और क्यूबिक में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है बच्चे। तो ए बी और ए बी अगर होगी तो हर जो है तीसरी लेयर क्या करेगी, पहली लेयर को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि इसमें क्या होगा बच्चे, ए बी सी और ए बी सी, ठीक है जी, या वन टू थ्री भी कह सकते हैं बच्चे। तो हर जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होती है बच्चे, डिफरेंट होगी, ठीक है बच्चे, पहली दूसरी तीसरी और फिर जो चौथी होगी वो उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो विच लेयर्स आर डिफरेंट इन हेक्सागोनल एंड क्लोज पैकिंग, तो कौन सी होगी बच्चे, थर्ड लेयर जो होगी वो क्या होगी जी, डिफरेंट होगी। अ लिक्विड कैन बी क्या होता है जी, कैन बी मेड बॉयल बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्या होता है बच्चे, क्रिटिकल क्या होता है जी, टेम्परेचर। लिक्विड कैन बी बॉयल बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके दरमियान जो होता है वो क्या होता है बच्चे, बॉयल होता है। Which pair has debye forces जी बच्चे, किसके अंदर debye forces हैं? Beta और beta के दरमियान। In the following equilibrium liquid vapors by decreasing temperature equilibrium shift towards क्या होता है बच्चों, किस साइड पे shift होगा? Left side पे होगा। उसके बाद क्यों होगा? सर क्योंकि दोबारा से लिक्विड बन जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल जी, तो ये जनाब अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे जाता है तो हम कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द गैस एक्यूरेटली अंडर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जी बच्चों, लो प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर, एंड क्या हो जाएगा बच्चे, हाई क्या हो जाएगा, टेंपरेचर, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास द नंबर ऑफ मोल्स इन क्या होता है, 2.24 डीएम क्यूब ऑफ H2 गैस एट क्या हो जाता है, STP जी बच्चे, कितने होंगे जी, 1 मोल के लिए 22.414 है,
तो एक पॉइंट इधर लेके आ जाओ तो इस पॉइंट वन हो जाएगा, तो एक पॉइंट इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 2.24 डी एफ जी। जी देखो बच्चे सॉल्व करते हैं, वन मोल के लिए कितना होता है 22.414 डीएम क्यूब होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, अगर फॉर एग्जांपल 0.1 मोल है, ठीक है 0.1 मोल है, तो जरी सी बात है 0.1 मोल है, पहले 1 मोल था, तो ये क्या हो जाएगा जो पॉइंट है हमारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2. क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जनाब आपका हो गया जी सारा नंबर ऑफ हो गया जी। अब इसमें बताएं जी कौन सा मुश्किल है जी और कौन सा इसमें से समझ नहीं आया। फर्स्ट एमसीक्यू दिखाएं एक दफा। फर्स्ट 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 एमसीक्यूज जी बच्चे ये देखें, इसमें जो है बॉयज लॉ लगेगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी टू वी टू के इक्वल होगा। हाँ जी बोले बच्चे बोले, शाबाश। सर एक दफा 28 टू 33 दिखा दे। 28 माइक ऑफ प्लीज। हाँ जी 28 ये देखें जरा, 28 में बच्चे ये इस तरीके से मैंने ये बताया हुआ है बच्चे, ये फार्मूला बड़ा अहम है, ठीक है। PV is equal to MI, जब भी इंक्रीज और डिक्रीज आ जाए ना बच्चे, इंक्रीज फोर टाइम और डिक्रीज फलान टाइम, तो आपने बस ये फार्मूला जो है याद रखना है, इसको N और R बेशक ये ना लिखेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे, तो टेम्परेचर और जो है प्रेशर का आप ये यानी तीनों का रिलेशनशिप है, तो T और P हो जाएगा। उसने कहा जी टेम्परेचर जो है वो क्या होता है इंक्रीज फोर टाइम, इसका मतलब यहाँ पे फोर टाइम कर दें, एंड प्रेशर, एंड प्रेशर इज डबल, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे टू टाइम हो जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये V है तो दैट इज इक्वल टू 2V हम इसे कह सकते हैं। अगर यूं कहता है सर थर्ड एक्सप्लेन कर दें, इंक्रीज 17 एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दें प्रेशर इज डिक्रीज क्या होता है जी टू टाइम, अगर डिक्रीज करता तो फिर हम इसको क्या करते बच्चे 1/2 कर देते, क्या कर देते 1/2, तो ये जो 1/2 है ये 2 ऊपर हो जाता तो फिर ये किसके इक्वल होता बच्चे, इट इज इक्वल टू 8V के इक्वल होता। उसने कहा जी इंक्रीज 4 टाइम एंड प्रेशर इज डबल, अगर कहता प्रेशर इज नॉट डबल यानी स्टेटमेंट होती प्रेशर इज रिड्यूस क्या होता है जी हाफ, तो फिर हम 1/2 लगाते फिर ये 8V के इक्वल है। सर नंबर 53 शो करें मिनट। कौन सा नंबर 53? हाँ जी नंबर 53 जी, नंबर 53 हाँ जी ये नंबर 53 सर देखिए, इस बीटा ऑप्शन में वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर लिया हुआ है और कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, तो ये करेक्ट कैसे हो सकता है? Which of the following describe correctly behavior of ideal gas? Correctly ideal gas. Constant pressure. Product of pressure and volume will remain constant. Ye janab. And graph. Constant pressure.